चैनल, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत चैनल, आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव शुरू हो रहे हैं, वहीं सभी प्रधानों ने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बरेली जिले की फरीदपुर तहसील के ग्राम खटेली में मैं आज आया हुआ हूँ और यहाँ के भावी उम्मीदवार जो कि बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम पवन कुमार है, उस पंटू, आइए बात करते हैं उनसे। भैया, क्या नाम आपका? पवन कुमार सिंह, और प्यार से लोग पंटू भी बुलाते हैं मुझे। तो आप बताएं जरा, आपके गांव का क्या माहौल है, आपके प्रति है, क्या आपके लिए सपोर्ट मिल रही है, किस तरीके से? गांव में मुझे काफ़ी लोगों ने इच्छा जाहिर की कि मैं इस राजनीति में कदम रखूं। जी जी। और सारे लोगों ने मुझे हिम्मत भी दी है और मुझे आशीर्वाद भी दिया है। जी जी। और सपोर्ट भी दे रहे हैं, और सारे पूरे गांव से, हर कोने से, हर जाति से, हर बिरादरी से लोग मेरे साथ हैं जी। और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, और मैं चाहता हूं कि मुझे कामयाबी भी उन लोगों की आशीर्वाद से ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर भाई दबे आपको कामयाबी मिलती है, अगर सपोर्ट पूरी मिलती है, यहाँ से आप प्रधान चुने जाते हैं जी जी, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपके गांव के लिए? जो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होगी वो रास्तों को लेके होगी। अच्छा, जो हमारे गांव में सबसे जो जटिल समस्या है जी, वो रास्ते हैं। अच्छा अच्छा। काम तो हम सारे लोग अपने पैसे से भी कर सकते हैं, मकान तो हम अपने पैसे से भी बना सकते हैं, बिल्कुल, शौचालय हम अपने पैसे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्राथमिकता होगी वो हमारी सबसे पहले रास्ता होगी जी, जी। रास्ते के बाद उन गरीबों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, शौचालय नहीं है, जो वृद्धा हैं जिनकी पेंशन नहीं है, जो विधवाएं हैं जिनकी पेंशन नहीं होगी, तो ये सारी हमारी प्राथमिकताएँ होगी अगर हम कामयाबी हमें मिलती है, हमें सफलता मिलती है जी जी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को, ग्राम पंचायत वासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वो हमको इस लायक समझते हैं जी, तो हमारे लिए सपोर्ट करें, वोट करें। बाकी जो वो उम्मीद रखते हैं हमसे, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरें, किसी को हमसे असंतुष्टि ना हो, सारे लोग हमसे संतुष्ट रहें, खुश रहें। सबसे यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने हमारा साथ दिया तो हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे। होली की शुभकामनाएं। और होली की सबको शुभकामनाएं हैं, सभी ग्रामवासियों को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से जी, सभी ग्रामवासियों को होली की शुभकामनाएं। और होली के बाद हम सब लोग होली मिलन करेंगे, होली पे मिलेंगे, किसी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के। ठीक है, धन्यवाद।